लालू यादव के कहने के बाद और उनसे मंत्रणा करने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब अगस्त में वो बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए को छोड़कर के महागठबंधन के तरफ से बने थे, तो उसके बाद एक यात्रा और अभियान शुरू की गई थी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। लालू प्रसाद से बातचीत के बाद वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। उसके बाद से नई कहानी शुरू हुई और लालू प्रसाद जब सिंगापुर से अपना इलाज करा करके लौटे तो फिर एक बार ये जो मुहिम है उस मुहिम को नए सिरे से शुरुआत की गई। इस बार जो परिणाम है वो सकारात्मक लगे, इसलिए कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि वो अपने अभियान में सफल होते जा रहे हैं। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई और इसके पीछे कांग्रेस की कमजोरी सबसे बड़ी बात बनी, जिसमें कांग्रेस ने देखा कि उनके जो मुखिया हैं राहुल गांधी, जो उनके पार्टी के चेहरा हैं, वो कहीं ना कहीं अब घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनकी सदस्यता समाप्त हुई तो दूसरी तरफ उन्हें सजा भी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए और नदी में टिकी रहे, इसके लिए उसने नीतीश कुमार के साथ जो भी बातचीत की होगी, लेकिन उसके बाद जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, आपको पता है कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव पहले पश्चिम बंगाल गए थे और उसके बाद से उत्तर प्रदेश गए थे। दोनों राज्यों के जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे मुलाकात करने के बाद, जहां एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सत्ता के बाद विपक्ष में बैठे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव काफ़ी मजबूत नेता कहे जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद कई तरह की बातें सामने आती हैं। कहा यह जाता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया और इन तीन राज्यों के 162 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर के उसे सत्ता से रोकना है। लेकिन इसी बीच में एक बात और सामने आती है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करते हैं, तो वहीं वो मिलने के लिए तुरंत दिल्ली चले जाते हैं और लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होती है। इसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। मुलाकात तब होती है जब तेजस्वी यादव भी दिल्ली में रहते हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लालू प्रसाद एक बार फिर से अपने रंग में आ गए हैं और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि केंद्र की राजनीति में उनके लिए बेहतर विकल्प तैयार होगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो तस्वीरें आ रही हैं खास करके अखिलेश यादव और लालू प्रसाद के मुलाकात की, उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बात तो है जिसकी पर्देदारी है और लालू प्रसाद के पटना आने के कार्यक्रम ने भी कई तरह की चर्चाएँ छेड़ दी है। आपको बताएँ कि लालू प्रसाद की सादगी को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि आज भी वो पुराने स्टाइल में चौकी पर बैठ करके लोगों से मुलाकात करते हैं और इस तस्वीर को साझा करने के बाद, इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात पूरी तरह से सफल रही है या फिर इसमें भी कोई बड़ा पेंच है। लालू प्रसाद की सबसे पहली आवश्यकता और सबसे पहला डिमांड जो है वो है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इस कुर्सी को पाने के लिए, तेजस्वी यादव को दिलाने के लिए लालू प्रसाद हर युक्ति और योजना बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अगले महीने लालू प्रसाद पटना आएंगे, उनका जन्मदिन होगा, तो क्या उनके जन्मदिन के दिन नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाकर बिहार उनके हवाले करेंगे, सबसे बड़ा गिफ्ट उनके जन्मदिन का देंगे। मुझे याद है कि, और आप लोगों को भी याद होगा कि जब दोनों एक साथ सरकार में थे 2015-16 में, तब जेपी सेतु पुल का उद्घाटन था, लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन उसका उद्घाटन हुआ था, जिसको लालू प्रसाद ने उद्घाटन तो किया था। तेजस्वी यादव तब मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये बातें रास नहीं आ रही थी नीतीश कुमार को। उसके बाद से ही दोनों अलग अलग हुए थे। अब एक बार फिर से लालू का जन्मदिन है, नीतीश कुमार से गिफ्ट की अपेक्षा है, क्या गिफ्ट देते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।